नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। किसानों मजदूरों ने गांव सख्ता खड़ा में अनिश्चितकालीन पड़ाव शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहण हुए मकानों, दुकानों सहित पेड़ों का अवार्ड जारी करने, औद्योगिक प्लांट से नष्ट हो रही फसल का मुआवजा और विद्यालय में गैर कानूनी ढंग से उखाड़े गए पेड़ प्रकरण की निष्पक्ष जाँच किए जाने की मांग की है। उपमंडल के गांव सख्ताखेड़ा में किसानों मजदूरों ने आज किसान नेता राकेश फगोड़िया, संजय मिड्डा के नेतृत्व, श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री राम कुमार जी गंगा वालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर होलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स नजदीक रेलवे स्टेशन मीना बाजार मंडी डबवाली। संपर्क करें 9306987388। में अनिश्चितकालीन पड़ाव लगाया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं ने बताया है कि भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग में वर्ष 2019-20 में 9 गांवों की भूमि अधिग्रहण हुई। विगत 4 वर्षों से इलाके के किसान मजदूर संरचना अवार्ड की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसान स्ट्रक्चर के अवार्ड से वंचित है। संबंधित निजी कंपनी वीआरसी एनएचआईए के नियम एवं शर्तों को ताक पर रखकर 7500 से ज्यादा अधिक पेड़ 9 गांवों के उखाड़ फेंक दिए हैं। पेड़ों का ग्रामीणों को अवार्ड भी नहीं दिया गया। इसी प्रकार सख्ताखेड़ा गांव की प्राथमिक पाठशाला में संबंधित निजी कंपनियों ने विद्यालय को उजाड़ने का घोर निंदनीय कार्य किया। अवार्ड जारी होने से पहले अनेक पेड़ उखाड़ दिए, विद्यालय की दीवार को भी तोड़ दिया गया है। संबंधित कंपनी ने अवार्ड जारी होने से पहले विद्यालय की दीवार को क्यों तोड़ा, इसका शासन प्रशासन के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। यह आरोप किसान नेताओं की तरफ से लगाया गया। साथ ही किसान नेताओं ने कहा है कि सख्ताखेड़ा गांव निवासी बुजुर्ग मजदूर गमू सिंह, हरभजन सिंह, सरबजीत कौर सहित अनेक किसान मजदूरों मकानों के अवार्ड से आज तक वंचित है। संबंधित वीआरसी कंपनी ने मजदूर घुम्मू सिंह के मकान की दीवार को तोड़ भी दिया, शौचालय स्नान घर तक तोड़ दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का उद्घोष करने वाली सत्ता के राज में बेटियों को नहाने के लिए तिरपाल का सहारा लेना पड़ता है। आबूबशहर गांव में संबंधित वीआरसी कंपनी के निजी औद्योगिक प्लांट की राखी, प्रदूषण के किसान रजेश सहित अनेक किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों की पिछली धान की फसल भी बर्बाद हुई थी, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आज तक इन तमाम लंबित मांगों, ज्वलंत मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन संघर्ष की शुरुआत की गई है। शासन प्रशासन ने कल दोपहर 1 बजे तक कोई समाधान स्थापित नहीं किया, तो निश्चित रूप से दोपहर बाद संघर्ष तेज किया जाएगा। तो आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सख्ताखेड़ा में किसानों मजदूरों की तरफ से अनिश्चितकालीन धरने की अब शुरुआत कर दी गई है। और साथ ही इससे पहले भी सरकारी स्कूल में बिना अनुमति और भुगतान के काटे जा रहे पेड़, पिछले साल तोड़ी दीवार, अधिग्रहण का अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। जहाँ पर स्कूल DDPO बोली, पंचायत और प्राइमरी हेड का मामला है, संज्ञान लेते हुए उचित जांच कर प्रक्रिया पूरी करवाए जाने का उन्होंने दावा किया है। वहीं पर स्कूल मैनेजमेंट ने, कमेटी प्रधान राजन के मुताबिक, पंचायत में भी सदस्य हूं, स्कूल कमेटी का प्रधान बनने के बाद हमारी मीटिंग में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, पेड़ कटवाने की बोली प्रक्रिया को लेकर कोई अधिकार दिया गया हो, पेड़ किसने काटे इसे हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं पर DDO का मुख्य अध्यापिका मनजीत कौर ने बताया कि प्राइमरी स्कूल एरिया में पेड़ हैं जिन्हें सड़क आने के चलते काटने के लिए आना चाहिए, और वीआरसी अधिकारी बोलते हैं कि हमारी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं, न तो हमें जमीन अधिग्रहण दीवार पेड़ों की कोई पेमेंट मिली, न ही वन विभाग की NOC आई है। तो कुल मिलाकर ये मामला बेहद पचीदा बना हुआ है। वहीं पर राजकीय प्राइमरी स्कूल के मुताबिक स्कूल में पेड़ों का एग्रीमेंट पंचायत ने मौके पर आकर वन विभाग के को कैंसिल करवा दिया था, बाद में हमने कोई पेड़ नहीं कटवाए, तो ये पूरा मामला अब उलझता जा रहा है। इस बारे में अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो उनका कहना है कि पंचायत की ओर से न पेड़ कटवाए गए, न ही कोई बोली करवाई गई, न ही कोई पेमेंट पंचायत में आई, बल्कि फरवरी में स्कूल को सर्वाधिकार देते हुए आगामी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी। लेकिन चौटाला हाईवे की अपग्रेड कर 4 लेन बनाए जाने से बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे में गाँव सख्ताखेड़ा के सरकारी स्कूल की जमीन को अधिग्रहित कर पेड़ बिना अनुमति और प्रक्रिया पूरी किए ही काट दिए गए। क्या कुछ किसान नेता कह रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। उपमंडल के किसान नौजवान साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि डब्बावाड़ी में भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा, NH 754 के NH 54 जो कि अमृतसर से वाया डब्बावाड़ी राजस्थान होते हुए गुजरात जाएगा। वर्ष 2019-20 में जब डब्बावाड़ी के 9 गांव किसानों और मजदूरों की यहाँ भूमि अधिग्रहण हुई, उनका संरचना के रूप में मकान, दुकान, पेड़, गोदाम, धर्मकांटे, तमाम जो हमारा स्ट्रक्चर अधिग्रहण हुआ, भूमि का तो अधिकतर अवार्ड साथ साथ आ गया था, लेकिन संरचना के अवार्ड से, पेड़ों के अवार्ड से
और तमाम जो हमारे मकान है ढाणियाँ हैं उनके अवारण से इस इलाके का किसान और मजदूर विगत 4 वर्षों से वंचित है। लगातार 4 वर्षों से हम मांग करते हुए आ रहे हैं कि हमारे मकानों का और तमाम स्ट्रक्चर का अवार्ड जो कि हरियाणा की सरकार जारी करे और जो हमारे पेड़ इनका अवार्ड जारी करे। डबवाली के 8 गांव में, एक चौटाला गांव में पेड़ों का अवार्ड दिया गया, लेकिन 8 गांव में हजारों पेड़ जो कि संबंधित बीआरसी और एनएचआई ने उखाड़ करके फेंक दिए। नियम एवं शर्तों के अनुसार कोई पेड़ लगाए भी नहीं गए और हमारी जो किसान की प्रॉपर्टी जो पेड़ थे उनका अवार्ड भी नहीं दिया गया, कोई सर्वे में पेड़ नहीं दिखाए गए। और ये जो मकान यहाँ जो सक्ता खेड़ा में हमने आज ये अनिश्चितकालीन जो धरने की शुरुआत की है, मजदूर जो गम्मू सिंह वो अपने जीवन और मौत के बीच जूझ रहा, मौत से वो लड़ रहा है, उसकी इतनी हालत गंभीर है, डॉक्टरों का जवाब दिया हुआ है और इस मजदूर के मकान का अवार्ड के रूप में 1 रुपया भी राशि नहीं दी गई। आप सबको ये भी ज्ञात है कि सक्ताखेड़ा गांव की जो प्राथमिक पाठशाला है वीआरसी और एनएचआई की शह पर, वहाँ गैरकानूनी ढंग से पेड़ उखाड़े गए। अवार्ड जारी करने की मांग को लेकर जो पेड़ उखाड़े गए उस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और 7,500 से अधिक जो डब्बावाली के 9 गांव में पेड़ उखाड़े गए उनका भी अवार्ड जारी करें। इसके साथ साथ जो अन्य हमारे तमाम जो लंबित हमारी मांगे, जो ज्वलंत मुद्दे, जो किसानों को सिंचाई खाड़ ये बढ़ाकर नहीं दे रहे, सिंचाई खाड़ की जगह पाइपलाइन डाल रहे, चौटाला गांव में अंडरपास नहीं दे रहे, चौटाला गांव में अंडरपास नहीं दे रहे, दूसरे गांव में भी किसानों के रास्ते बंद कर रहे, हमारी ये तमाम मांगे, इन मांगों को लेकर आज सक्ताखेड़ा गांव में हमने ये अनिश्चितकालीन यहाँ धरने की शुरुआत की। यहाँ सक्ताखेड़ा गांव में आंदोलन होगा और जब तक संबंधित वीआरसी कंपनी, एनएचआई, हरियाणा की सरकार अवार्ड जारी नहीं करती, एक एक किसान की मजदूर की मांग पर मोर नहीं लगाती, तब तक ये आंदोलन लगातार चलेगा। मैं तमाम किसान नौजवान साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सारे साथी कल सुबह 10 बजे यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुँचे, लगातार ये संघर्ष न्याय तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद।